बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का रोल और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें 1 kg चिकन चाहिए। बोनलेस चिकन लेंगे और उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लेंगे। सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच चिकन पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च है 2 चम्मच, इसके अलावा नमक जो है वो आपने हसब जायका डाल लेना है। मैं अपनी पसंद से डाल रही हूँ 1 चम्मच, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, और ये लास्ट में मैं चिकन टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 चम्मच हैं ये। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी इसमें, और ये 2 चम्मच सोया सॉस है। इसके अलावा मैं इसमें 1/2 कप दही शामिल करूँगी। और सबसे आखिर में अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, और इसको मैंने दही में डाल के थोड़ा सा मिक्सचर बना लिया था इसका, ताकि जो है हम इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर सकें, हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अगला स्टेप जो है वो रोल बनाने का है, और उसकी तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। यहाँ पे हमारा अगला स्टेप शुरू होता है, जिसमें रोल बनाने के लिए जो 2 तैयार की जाती है वो बना रही हूँ मैं, जिसके लिए मुझे चाहिए 2 कप मैदा, और उसमें मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है, 2 चुटकी नमक शामिल करेंगे इसमें, इसके अलावा मैं इसमें 2 चम्मच दही शामिल करूँगी, 1/3 इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो है चीनी। 1 चम्मच चीनी का इसमें शामिल करेंगे। चीनी और दही आपने लाजमी इसमें शामिल कर लेने हैं। 1 कप पानी का इसमें शामिल करूँगी मैं, और अब इसको अच्छे से गूंद लूँगी, आटे की तरह गूंद लेना है इसको। और इसमें जो है वो लास्ट में हमने जब गूंदते हुए कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, ताकि जो है ये हमारी 2 हाथों के साथ चिपकने से हट जाए, हम इसको आसानी से अपने हाथों से अलग कर सकें। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रोल परफेक्ट बने तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि मैं इसमें एक एक चीज़ बहुत अच्छे से गाइड करने वाली हूँ, बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ आपको। यहाँ पे जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको अब फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कढ़ाई, और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप तेल। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें और चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। घी को थोड़ा सा गर्म हो लेने देंगे, ठंडे घी में हम डालेंगे तो वो सारा चिकन जो है वो इसकी कढ़ाई की सतह पे जम जाएगा या नीचे लग जाएगा, वो चिपक जाएंगे मसाला जात इसके, तो इसलिए बेहतर होता है कि जब भी आप चिकन फ्राई करें तो घी को पहले गर्म हो लेने दें। अच्छा, इसके जो पीसेस मैंने किए हैं, ये क्यूब्स बनाए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी इतने ही बनाएं, आप को इससे छोटे पसंद है तो आप छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, तो ये चीज़ इसमें मैटर नहीं करती कि इनका साइज़ कितना होना चाहिए। जब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे तो ये पानी छोड़ देगा, चिकन का पानी भी होगा और कुछ हमने इसमें दही ऐड किया था वो भी इसमें होगा, तो इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हम कवर करके रख देंगे, ताकि जो है हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। लेकिन कवर करके रखते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है वो आपका मीडियम होना चाहिए या लो होना चाहिए, हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं रखना, वरना हमारा चिकन जो है वो जल जाएगा। जब तक हमारा चिकन फ्राई होता है हम सैलेड तैयार कर लेते हैं। सैलेड के लिए मैंने ली है बंद गोभी,
आपको जो जो वेजिटेबल्स पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जो पसंद है मैं बस वही इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो सब्ज़ियाँ पसंद हैं आप उसमें शामिल कर सकते हैं। जितनी वैरायटी आप इसमें डालेंगे उतने ही आपके रोल्स जो हैं वो ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। बंद गोभी को मैंने जो है वो कश कर लिया था। इसके अलावा इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। एक अदद टमाटर लिया मैंने, उसको बारीक काट लेना है। सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना इसमें मैं शामिल करूँगी क्योंकि मुझे पसंद है। आपको पसंद हो तो आप ऐड करें, आपको ना पसंद हो तो आप ना ऐड करें। इसके अलावा यहाँ पे मैं इसमें बटर शामिल करूँगी। मक्खन शामिल किया मैंने आधा चम्मच। इसके अलावा मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। सोया सॉस मैंने जो है वो तकरीबन 2 चम्मच इसमें डाली है। चिकन हमारा जो है वो तकरीबन गल चुका है और इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है, चेक कर लेंगे। और ये जो पानी है वो ढक्कन उतारने के बाद थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके इसको खुश्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है और यहाँ लास्ट में हम अब जो प्रोसेस करेंगे वो बहुत अहम है, आपने ख्याल से इसको करना है। प्याज का छिलका लिया मैंने, आप चाहें तो किसी पे भी किसी भी चीज़ पे। यहाँ पे एक दहकता हुआ कोयला रखेंगे और उस पर चंद ड्रॉप कुकिंग ऑयल के डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे अब हम रोल पट्टी बना लेते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, साथ जो है वो जो दो तैयार की थी उसके बॉल्स बना के छोटे छोटे और रोटी टाइप बना लेंगे। इसको पतले सी बनानी है, जितना ज़्यादा ये पतला होगा उतना ही हमारा रोल ज़्यादा मज़े का बनेगा। रोल पट्टी फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको मुसलसल हिलाते रहना है। ये ऐसा नहीं कि इसको बस घी में डाल के छोड़ देना है, दोनों तरफ से इसको फ्राई करेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेना है मुसलसल इसको हिलाते हुए। अगर आपकी रोल पट्टी मज़ेदार बन गई तो समझो आपका रोल भी मज़ेदार है। अगर आपकी रोल पट्टी ठीक ना बनी तो इसके अंदर जो आपने मसाला डालेंगे, जो आप चिकन डालेंगे, फिलिंग करेंगे इसकी, चाहे वो जितनी भी मज़े की हो, लेकिन आपको जो है वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो रोल पट्टी है वो मज़ेदार होनी चाहिए। उसको सेम ऐसे ही आपने बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ पे मैं सबको ऐसे ही फ्राई कर लूँगी और एक प्लेट लेंगे। प्लेट में इसको ठंडा होने के बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा गरम गरम पे नहीं रखिएगा वरना हाथ आपका जलने का अंदेशा है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको ठंडा होने दें थोड़ा। और इस पे मैं लगा रही हूँ चटनी, बनाई है मैंने चटनी पुदीना और सब्ज़ मिर्च की, और ये इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि हमारे जो रोल हैं वो स्पाइसी बने। वैसे अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो ये मत लगाइएगा क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते। तो सैलेड यहाँ पे मैं इसमें लगा रही हूँ। सैलेड जो है वो आपने इस तरह एक तरतीब से लगाना है, ऐसे नहीं कि बस जहाँ दिल करे वहीं पर रख दिया। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये रोल, लाजमी ट्राई कीजिएगा और बच्चों को तो लाजमी बना कर दीजिएगा। बच्चे जो बाज़ार का खाना खाते हैं, बाज़ार में वो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं उसके अंदर और किस तरह के गंदे हाथ होते हैं उनके, तो जो जरासीम वाले होते हैं और बच्चे हमारे खाते हैं बाहर जाके और बीमार हो जाते हैं। तो काइंडली बाहर की चीज़ों से परहेज़ किया करें, घर पर बच्चों को बना के दिया करें। ये चीज़ें बनानी इतनी मुश्किल नहीं है, हम लोगों को इतनी मुश्किल लग रही होती हैं लेकिन ये चीज़ें आसानी से बन जाती हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन आप एक उम्दा तरीके से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैं चिकन इसके ऊपर लगा चुकी हूँ, इसकी अब हम फिलिंग कर चुके हैं, कंप्लीट है ये। इसको फोल्ड कर लेंगे और हमारे चिकन टिक्का रोल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं।